नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं रक्षाबंधन से रिलेटेड, कुछ मुहूर्त के समय से रिलेटेड। देखिए, रक्षाबंधन 19 अगस्त को है, यानी कि 19 अगस्त 2024 को, और जो मुहूर्त का समय रहेगा वो 1:30 बजे से लेकर रात के 9:07 तक है। इस बीच में ही आपको रक्षाबंधन का उत्सव मनाना है। देखिए, यहाँ भद्रा से रिलेटेड कुछ भ्रांतियाँ हैं तो मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए, भद्रा क्या होती है? भद्रा सूर्य और छाया की पुत्री है और ये शनि की बहन भी है, तो शनि की तरह ही उसका स्वभाव बहुत अग्रेसिव है। तो इस वजह से एक बहुत ही शक्तिशाली पावर के साथ भद्रा का जन्म हुआ था। तो भद्रा पाताल से लेकर स्वर्ग लोक तक, पृथ्वी लोक तक हर तरह उथल पुथल करने में एक तरह से सक्षम थी। तो सूर्य भगवान ने ब्रह्मदेव के पास जाकर एक प्रार्थना करी कि अब इस परिस्थिति में क्या किया जाए। तो ब्रह्मदेव ने पंचांग के अंदर भद्रा को स्पेशल समय दिया हुआ है। तो हर महीने में कुछ समय ऐसा होता है कि जहाँ भद्रा का एक समय होता है, उस समय पर शुभ कार्य कभी नहीं किया जाता। तो इस वक्त, यानी कि जो रक्षाबंधन है, उसमें इस 19 तारीख को 1:30 बजे तक भद्रा का समय है और इस समय के अंदर आपको बिल्कुल भी कोई शुभ कार्य नहीं करना, और राखी बांधने का समय 1:30 बजे के बाद है। उसके बाद आप किसी भी समय पर रक्षाबंधन के पर्व को मना सकते हैं। एक चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण है कि पौराणिक कथाओं में ये भी कहा गया है कि रावण की जो बहन थी, उसने भी भद्रा काल के समय में ही रावण को राखी बांधी थी। तो इस वजह से ये समस्या उनके जीवन में उत्पन्न हुई और ये विनाश का एक कारण बताया जाता है। तो इस समय में बिल्कुल भी अवॉइड कीजिएगा। बाकी 1:30 बजे से 9 बजे तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप इस समय के अंदर रक्षाबंधन को मनाइए और इस शुभ पर्व पर, जो भाई बहनों का ये पवित्र बंधन होता है, तो इस शुभ समय का आप उपयोग कीजिएगा। बाकी किसी भी प्रकार का कहते हैं ना कि भ्रांति में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये समय बहुत ही परफेक्ट है। देखिए, पूर्णिमा समय शुरू होता है 3:04 से और रात के 11:55 तक पूर्णिमा है 19 तारीख को, यानी कि 19 अगस्त 2024 को। तो इस समय पूर्णिमा का समय है, सोमवार का दिन है और पूरे ही दिन पूर्णिमा रहेगी। समय मैंने बता दिया है, मगर 1:30 बजे के बाद ही रक्षाबंधन के पर्व को मनाना है। और भद्रा काल क्या होता है उसे मैंने संक्षिप्त में आपको समझा दिया है, और ये बहुत जानना ज़रूरी है कि पंचांग में भद्रा को क्या महत्व दिया गया है और उसके पीछे क्या कारण है। आई होप कि मैंने चीज़ों को समझा दिया है, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। देखिए, रक्षाबंधन के पवित्र अवसर पर आप जितना भी इस पर्व को पॉजिटिवली मना सके मनाइए, और मेरी आपको बहुत ज़्यादा रक्षाबंधन से रिलेटेड शुभकामनाएं हैं। थैंक यू सो मच। हैप्पी रक्षाबंधन। जय श्री कृष्ण।